नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहारी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार का कोरोना अपडेट 20 अगस्त का बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है। जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो आज फिर आपके लिए राहत भरे हैं, क्योंकि आज फिर मामला 1500 से नीचे है। जो नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है उनकी संख्या है 1444। ये आंकड़ा पिछले 24 घंटे में आया है। इसके साथ ही पूरे बिहार में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,24,827 पर पहुंच चुकी है। चलिए पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में किस जिले से कितने संक्रमित मरीज मिले हैं। अररिया 76, अरवल 4, औरंगाबाद 27, बांका 7, बेगूसराय 46, भागलपुर 54, भोजपुर 20, बक्सर 14, दरभंगा 27, ईस्ट चंपारण 23, गया 47, गोपालगंज 30, जमुई 6, जहानाबाद 14, कैमूर 9, कटिहार 24, खगड़िया 10, किशनगंज 25, लखीसराय 38, मधेपुरा 32, मधुबनी 64, मुंगेर 5, मुजफ्फरपुर 80, नालंदा 37, नवादा 15, पटना 262, पूर्णिया 34, रोहतास 39, सहरसा 44, समस्तीपुर 30, सारण 44, शेखपुरा 12, शिवहर 14, सीतामढ़ी 21, सिवान 11, सुपौल 29, वैशाली 31, वेस्ट चंपारण 71। इस तरह पिछले 24 घंटे में पूरे बिहार से 1444 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे आप तो पाएंगे कि राजधानी पटना केवल बिहार का वो जिला है जहां पर 100 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य 37 जिले बिहार के वैसे हैं जहां पिछले 24 घंटे में 100 से कम संख्या में नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। उसमें भी अगर हम नजर डालें तो पाएंगे कि मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहां 50 से ज्यादा संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। यानी कि पिछले 24 घंटे में बिहार के 31 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण का जो नया दर है वो 50 के नीचे है, वो 50 से ज्यादा नहीं गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। हालांकि ये भी देखना होगा कि बिहार में आज जांच का रिपोर्ट कितना है, क्योंकि अभी जो जांच का आंकड़ा है वो जारी नहीं किया गया है। कल बिहार में जो आंकड़े जारी किए गए थे वो 1200 के आसपास का था, लेकिन बिहार में कल जो जांच था वो 62,000 के आसपास था, उससे ज्यादा का नहीं था। तो आज बिहार में जांच का जो संख्या है वो लाख के ऊपर गया है कि नहीं, ये देखना एक बड़ी बात होगी। अगर बात करें बिहार में एक्टिव केसों की तो बिहार में जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 21,000 हो चुकी है। जो पहला आंकड़ा 35-36,000 का था वो गिरकर बिहार में 21,000 एक्टिव केसेस पर पहुंच गया। वहीं जान जाने वालों की बात करें बिहार में कोरोना से तो 630 से ज्यादा लोगों ने बिहार में कोरोना से जान गंवाई है। तो बिहार फिलहाल रिकवर होता नजर आ रहा है और इसी को देखकर बिहार में जो बस सेवा है उसे भी शुरू कर दी गई है आज से। तो अपना ख्याल रखें, सतर्कता बरतें, मास्क का उपयोग करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। आज के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।